उत्तर प्रदेश के हरदोई से बड़ी खबर, जहां पर विधायक ने अपनी जो विधायक निधि है, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दान की थी, उस निधि को वापस मांग लिया है। हरदोई के गोपामऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। और श्याम प्रकाश इस वक्त सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम प्रकाश जी, स्वागत है आपका एन भारत पर। आखिर क्या वजह रही श्याम प्रकाश जी, जो आपको अपनी विधायक निधि वापस मांगनी पड़ी? देखिए, विधायक निधि जनता का पैसा है और हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं कि उसको कहां पे खर्च किया गया है। कोरोना महामारी में मैंने आवश्यक उपकरण एवं सामग्री हेतु ये पैसा दिया था, किंतु लगभग एक माह के अंतराल के बाद भी इसमें मुझे कोई सूचना नहीं मिली है कि उस पैसे का कहां पे सदुपयोग किया गया है। तो विधायक जी, क्या आपको लगता है, क्या इस मामले में भ्रष्टाचार होना चाहिए था, ऐसे दौर में भी जब कोरोना के खिलाफ पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है? बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ, अगर करते हैं तो कम से कम इस समय तो छोड़ दें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, हेलो जी जी जी, कि जो पैसा दिया गया था जी, उसमें हमको कोई सूचना नहीं दी गई, क्योंकि हमारी हम जनता के प्रति जवाब दे रहे हैं कि उस पैसे को हमने कहाँ खर्च किया है। जी जी, और मैंने लिखा है कि यदि स्वास्थ्य विभाग अक्षम है जी, कोरोना के इस महामारी के समय में उस पैसे का सदुपयोग या उसकी आवश्यक वस्तु नहीं कर पा रहा है, तो उस पैसे जी को वापस करते, ताकि मैं उस पैसे को जनता के दूसरे हित के कार्यों में खर्च कर सकूं, क्योंकि वो जनता का पैसा है। श्याम प्रकाश जी, सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पूरे तरीके से मुस्तैद है, पूरे रोज मीटिंग कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी ऐसी खबरें आ रही है, और आपके इलाके में ऐसी खबरें आ रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो पूरी तरह से प्रयास है और उनका 24 घंटे प्रयास है कि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए, किंतु कुछ जगह कुछ अधिकारी और कुछ कर्मचारी मिलकर के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जनपद हरदोई के स्वास्थ्य विभाग में भी ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि जिसमें सामग्री क्रय में भ्रष्टाचार किया गया है, जो कि जांच में जिलाधिकारी द्वारा जांच में साबित भी सच पाया गया है। तो विधायक जी, इस घटना के बाद में मुझे आशंका हुई कि कहीं विधायक निधि का भी दुरुपयोग न हो, बिल्कुल मैंने पैसे वापस। विधायक जी, एक आखिरी सवाल, अब आप क्या करने वाले हैं? विधायक निधि आप जो वापस मांग रहे हैं, क्या इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे? क्या कोई ऐसी योजना बनाई जाएगी कि इस तरीके के भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके? अब मेरी प्रथम प्रयास यह है, वो पैसा जो मैंने दिया है उसको ठीक तरीके से, सही तरीके से, गुणवत्ता युक्त सामान क्रय करके उसको जहाँ आवश्यकता है वहाँ दिया जाए। यदि नहीं दिया जाता है, यदि उससे कुछ सामग्री क्रय की गई है जो गुणवत्ता विहीन है या उसमें कोई भ्रष्टाचार किया गया है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी शिकायत करूंगा, जांच करवाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार से मुक्त प्रदेश को बनाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बात करने के लिए। तो गोपामऊ विधायक श्याम प्रकाश एन भारत पर लाइव जुड़े हुए थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनके फंड का इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किया जा रहा है तो ठीक है, वरना उनके फंड को वापस कर दिया जाए, क्योंकि ये फंड जनता का पैसा है। जो निधि विधायक की होती है वो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा होता है, और उस पैसे में भ्रष्टाचार होगा तो विधायक साहब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे।